हेलो दोस्तों, रफिकुल डिजाइंस एंड टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ डीजो का वायरलेस डैश नेक बैंड। तो ये नेक बैंड एक हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ है, 17 मई को लॉन्च हुआ है और 24 मई से फ्लिपकार्ट में सेल हो रहा है। 24 मई दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट में सेल हो रहा है, मतलब सेल स्टार्ट हुआ है। तो मैंने 12 बजे को ही ऑर्डर कर दिया था और आज ही मुझे डिलीवर हुआ है। 3 दिन के अंदर मेरे पास डिलीवर हो गया है। तो आज मैं फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ डीजो वायरलेस डैश नेक बैंड अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो इस नेक बैंड में 2-3 चीज़ बहुत ही अच्छा है दूसरे नेक बैंड के हिसाब से, इसका प्राइस, इसका बैटरी बैकअप और लो लेटेंसी मोड। तो इसका प्राइस है 1299, जो लॉन्च ऑफर में प्राइजिंग है। वैसे तो 1600 होने वाला है, 1599, लेकिन अभी लॉन्च ऑफर का प्राइस है 1299 1300। तो मैंने 1300 में ही ऑर्डर किया है और इसका बैटरी बैकअप है 30 आवर। सिंगल चार्ज में 30 आवर तक आप लोगों को प्लेबैक का टाइम मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसका 88 ms का लो लेटेंसी है। पिछली बार जो मैंने डीजो गोपर्स न्यू का अनबॉक्सिंग किया था उसमें भी 88 ms का ही था, जो कि बहुत अच्छा था। और दोस्तों, इसमें 11.2 mm का बहुत ही बड़ा डायनेमिक ड्राइवर भी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें गेम मोड वगैरह है, बटन्स का फीचर वगैरह है, उसको आप लोग एडिट वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का बॉक्स, यहाँ पर देख सकते हैं पैकेजिंग सही है। यहाँ से थोड़ा सा चिपक गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर मेन पैकेट अच्छा रहना चाहिए सिर्फ। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अंदर ये बॉक्स आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें मेरा एड्रेस वगैरह है, बिलिंग है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये रहा बॉक्स, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे पीछे कुछ डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ है, मॉडल नंबर, मैंने कलर ऑर्डर किया था इलेक्ट्रिक ब्लू। और यहाँ पे IPX4 का रेटिंग है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट नेम वायरलेस ईयरफोन, इनपुट 5 वोल्ट, 0.6 एम्पियर। और यहाँ पे इम्पोर्ट का मंथ और ईयर लिखा हुआ है, April 2022। और ये लॉन्च हुआ था May 17 को और MRP है 3499, और मैंने लिया है 1299 में, 1300 में। तो यहाँ पे और कुछ टिप्स वगैरह लिखा हुआ है, डिटेल्स क्या क्या है, बॉक्स कंटेंट, यूज़र मैनुअल, ईयरफोन, चार्जिंग केबल, टाइप सी का केबल आता है, और यहाँ पे डायमेंशन, और यहाँ पे कस्टमर केयर का डिटेल्स भी लिखा हुआ है। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं काउंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। तो आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ ये देख सकते हैं हेडफोन रियलमी टेकला डीजो वायरलेस डैश। साइड में क्या लिखे हैं, साइड में भी ब्रांडिंग है। और यहाँ पे कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स दिया हुआ है, 11.2 mm डायनेमिक ड्राइवर, 30 आवर प्लेबैक टाइम, 10 मिनट चार्ज, 10 आवर ऑफ म्यूजिक, मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन, लो लेटेंसी गेम मोड, वर्क्स विथ रियलमी लिंक। तो ये 6 हाइलाइटिंग फीचर्स दिया गया है यहाँ पे। तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो इस तरफ से मुझे ओपन करना है, ऊपर भी ओपन करने का सिस्टम है, मैं नीचे की तरफ से ओपन करता हूँ। बॉक्स में कुछ नहीं है, ये रहा नीचे की तरफ चार्जर। चार्जर का केबल थोड़ा छोटा है और थोड़ा लंबा होना चाहिए था, कम से कम 1 फीट का तो होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत दिन बाद चार्ज करना पड़ेगा, 1-2 महीने बाद। तो इसको साइड में रखते हैं। तो इसके अंदर शायद चार्जर रखा हुआ था,
और ये है यूज़र गाइड, और यहाँ पे रियल मी लिंक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन करके। तो इसको भी साइड में रख देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। और यहाँ पे कुछ एयर टिप्स हैं, बाद में खोलेंगे। और ये रहा मेन ईयरफोन, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। अभी निकल के देखते हैं इसको। तो सही है, वायर का क्वालिटी भी सही है। और ये ऊपर से तो सॉफ्ट है लेकिन अंदर से थोड़ा हार्ड है, अंदर कोई मेटल यूज़ किया गया है, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। और ये देख सकते हैं प्लास्टिक फाइबर जैसा दिया गया है, और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस और मल्टीफंक्शन बटन यहीं पे दिया गया है। और इस तरफ है डीजो का ब्रांडिंग, ये देख सकते हैं डीजो का ब्रांडिंग। और ये है मैग्नेटिक कनेक्टर, सही है। चलिए तो फ़ोन में कनेक्ट करके आप लोग उसे मिलते हैं। तो दोस्तों एक बुरी खबर है, तो मैंने बहुत ट्राई किया अपने iOS के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने iPhone के साथ कनेक्ट करने के लिए, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाया। मतलब ब्लूटूथ से तो कनेक्ट हो गया लेकिन Realme Link ऐप के थ्रू कनेक्ट नहीं हुआ। और अगर Realme Link ऐप के थ्रू कनेक्ट नहीं होता है तो मैं गेम मोड वगैरह यूज़ नहीं कर पाऊँगा, और बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह यूज़ नहीं कर पाऊँगा। बटन सेटिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेस, बैलेंस, ब्राइट, ये साउंड इफेक्ट्स है, वॉल्यूम इन्हेंसर है, गेम मोड है, ऑटो एंसर वगैरह है। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ पहले एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेम मोड ऑन हो गया, वॉल्यूम इन्हेंसर भी ऑन हो गया, और यहाँ पे बटन सेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो Realme Link ऐप के थ्रू तो एंड्रॉयड में कनेक्ट हो गया। यहाँ पर बैटरी भी देख सकते हैं 90% लिखा हुआ है, लेकिन मेरा आईफोन में Realme Link ऐप के थ्रू कनेक्ट नहीं होगा। तो मैंने सर्विस सेंटर में कॉल भी किया, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कॉल किया था, तो कॉल करके पता चला उन लोगों ने बोला कि iOS के साथ कंपेटिबल नहीं है ये ऐप। लेकिन आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ महीनों पहले, करीब 3 महीना हो गया होगा, डीजो गोपर्स नियो को मैंने कनेक्ट किया था और गेम मोड वगैरह यूज़ किया था। तो इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, शायद नया आया है इसलिए, नया लॉन्च हुआ है इसलिए, जो भी हो। लेकिन उन लोगों ने डायरेक्ट सीधा बोल दिया कि iOS के साथ कंपेटिबल नहीं है। तो मुझे उन लोगों के बात थोड़ा भी समझ में नहीं आया, जो भी एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर किया था शायद मैंने, एकदम पूरा का पूरा 12 बजे ही ऑर्डर किया था 24 तारीख को, मतलब ये फ्लिपकार्ट में जब अवेलेबल हुआ था तुरंत ही मैंने ऑर्डर कर दिया था, बहुत खुशी से, बहुत मन था यूज़ करने का, मतलब गेम मोड वगैरह टेस्ट करने का। लेकिन छोड़ो, अभी तो शायद मैं इसको रिटर्न ही कर दूंगा या फिर मेरे दोस्त को दे दूंगा, दोस्त को भी एक हेडफोन चाहिए था तो उसको दे दूंगा, अगर वो ले लेगा तो उसको दे दूंगा, नहीं तो शायद रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ iOS के साथ यूज़ करने के लिए ही लिया था, एंड्रॉयड के साथ मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा एंड्रॉयड के लिए वायर्ड हेडफोन भी है और एंड्रॉयड में बाहर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो बाहर जाने के लिए मुझे नेकबैंड ही चाहिए था वायरलेस, तो अभी तो वो हो नहीं पाएगा। तो जब मैं अपने iOS में मतलब डिवाइस कनेक्ट करने जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह है। तो यहाँ पे ऑडियो में जाके यहाँ पे नीचे की तरफ डीजो वायरलेस डैश का ऑप्शन है, लेकिन iOS में डीजो वायरलेस डैश का ऑप्शन नहीं आता है। तो अगर आप लोग iOS के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल मत खरीदें, क्योंकि बिना गेम मोड के लेटेंसी पूरा आ जाता है, मतलब समझ में आ जाता है कि लेट है। तो मैंने जो डीजो गोपर्स नियो का वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो वो देखिएगा, मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। तो उसमें जितना लेटेंसी था उससे ज़्यादा लेटेंसी होता है, मतलब अगर आप लोग गेम मोड यूज़ नहीं कर पाएंगे। और iOS में तो अभी जैसा बोल रहे हैं वो लोग, iOS में तो गेम मोड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से आप लोग iOS अगर यूज़ करते हैं तो iOS के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इसको मत ही खरीदें। अगर बाद में कोई अपडेट वगैरह आता है, पता चलता है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा।
अभी अगर आप लोगों को एंड्रॉइड के साथ यूज़ करना है तो आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लेटेंसी शायद नहीं मिलेगा। और अभी मैं गेम टेस्ट वगैरह क्या ही करूँ, मेरे इस एंड्रॉइड में कोई गेम है भी नहीं और मुझे अभी टेस्ट करने का मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, साउंड अच्छा रहा है। अगर आप लोग कैजुअली ऐसे ही यूज़ करने के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन iOS के साथ तो मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता हूँ। और फ्लिपकार्ट में से जो मैंने ऑर्डर किया है वहाँ पे डिवाइस के डिटेल्स में वहाँ पे मैक, iOS और विंडोज सपोर्टेड डिवाइस ऐसा लिखा हुआ था, तो पता नहीं क्या हुआ। छोड़िए, तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने गेम के अंदर आ चुका हूँ, तो अभी गेम को स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे ही लग रहे हैं, मतलब डीजो गोपोट्स जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था, टेस्ट किया था, उसके जैसे ही लग रहे हैं। देखते हैं अच्छे से खेल के देखने के बाद और भी अच्छे से पता चलेगा। The blue team has scored for the first time. Cover me. कुछ पहले जैसा मजा नहीं आ रहा है, मतलब WS में जैसा मजा आता है वैसा मजा नहीं आ रहा है। मतलब TWS में एकदम बहुत कम लेटेंसी मिल रहा था, यहाँ पे लेटेंसी तो वैसा ही लग रहा है लेकिन थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि मैंने शायद ये Realme का लिंक किया था, इसमें क्या इसी वजह से ऐसा लग रहा है। मतलब गेम मोड वगैरह ऑन नहीं कर पाया अभी, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा लेटेंसी ज़्यादा मिल रहा है। तो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया और मेरा एक्सपीरियंस इस हेडफोन के साथ एकदम ही बुरा था। मतलब हेडफोन तो बहुत ही अच्छा था लेकिन iOS के साथ कंपेटिबल नहीं है Realme Link ऐप, पता नहीं क्यों। पहले तो कंपेटिबल था, जब मैंने डीजो का गोपर्स नियो का अनबॉक्सिंग किया था तब मैंने टेस्ट किया था, तो Realme Link ऐप के साथ भी अच्छे से कनेक्ट हो गया था। शायद अभी नया लॉन्च हुआ है और अभी तक iOS में अपडेट नहीं किया है, iOS में जो Realme Link ऐप मिलता है उसको अपडेट नहीं किया है अभी तक। लेकिन मैंने सर्विस सेंटर वालों से कॉल करके कंफर्म किया तो उन लोगों ने बोला कि iOS के साथ कंपेटिबल ही नहीं है। तो अगर उन लोगों ने कंफर्म कर दिया तो मैं इस डिवाइस को रख के क्या करूँ। बहुत खुशी के साथ एकदम फर्स्ट सेल में ही मैंने ऑर्डर किया था, 12 बजे को ही ऑर्डर कर दिया था। सोचा था बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा और बाहर जब जाऊँगा तो कभी कभी दोस्तों के साथ बैठ के TDM वगैरह खेलूँगा, PUBG में खेलूँगा, तो वो भी नहीं खेल सकता क्योंकि लो लेटेंसी मोड या फिर गेम मोड सिर्फ Realme Link ऐप के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। और मेरे आईफोन में तो Realme Link के थ्रू कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे डीजो में, मतलब डीजो वायरलेस डैश शो ही नहीं कर रहा है, तो इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार में ही रखना पड़ेगा। तो मैं शायद इसको रिटर्न कर दूंगा या फिर अपने दोस्त को दे दूंगा। और मैंने इसलिए इसका लेटेंसी टेस्ट वगैरह भी नहीं किया, करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं क्योंकि लेटेंसी टेस्ट में लेट ही आएगा क्योंकि गेम मोड वगैरह तो ऑन नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों मैं और एक बात आप लोगों को बताना भूल गया, इसमें AAC कोडेक नहीं है, सिर्फ SBC कोडेक है। और मेरे हिसाब से कोडेक कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, मतलब SBC हो या फिर AAC हो, साउंड क्वालिटी से मतलब है, और इसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग ऐसे ही कैजुअल यूज़ करने के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लो लेटेंसी वगैरह iOS में आप लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, एंड्रॉयड में यूज़ कर पाएंगे क्योंकि एंड्रॉयड में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। तो शायद बाद में iOS में भी अपडेट आ जाएगा, जब अपडेट आएगा तब की तब देख लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आगे भी देख पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।